बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो पॉइंट है बहुत सेंसिटिव। देखिए, और वो है कुकिंग विद शबाना, यानी कि शबाना आंटी के लिंक से। हम लोग जानते हैं कि कुछ चैनल्स हैं जो कि पीछे लगे हुए हैं शबाना आंटी और उनकी पूरी फैमिली के पीछे। अब यहाँ पे बाकी सब बातें भी डिस्कस हो गई हैं, मगर एक पॉइंट जो रह गया था वो ये है कि यहाँ पर हम शबाना आंटी को ये कहते हैं हर जगह जाकर, मतलब हर पॉइंट पे हम ये डिस्कस करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, और हर चीज़ के बाद हम ये कहते हैं कि भाई उन्हें तो ये है, वो तो अपने आप को मज़हबी ज़ाहिर करती हैं, अपने आप को बहुत इस्लामिक ज़ाहिर करती हैं। सो फ्रेंड, ये दो पॉइंट मेरे माइंड में आए थे कि हम हर चीज़ को बुराई पे ज़ाहिर करने के बाद ये पॉइंट कह देते हैं कि भाई वो अपने आप को बहुत नेक कहती हैं। फ्रेंड, आप मुझे ये बताइए, अब तक आपने भी कुकिंग विद शबाना के व्लॉग देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, उनकी फैमिली के व्लॉग भी सब देखते हैं, किस जगह पे शबाना आंटी ने ये कहा है कि मैं बहुत नेक हूँ, या मैं इस्लाम की पैरवी करती हूँ, या मैं जो हूँ नेक परवीन हूँ। ठीक है, उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ, या कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं कही है कि जिस पर हम ये कहें कि जो है उन्होंने गलत किया है या वो ये काम नहीं कर सकती। देखें, कोई इतनी बड़ी बुराई तो उन्होंने नहीं की है। सिंपली हम ये देखते हैं कि उनकी अगर बेटी की शादी है तो उन्होंने वहाँ इंजॉय कर लिया और उन्होंने वहाँ रस्में कर ली जो कि की जाती है नॉर्मली, जो कि जैसे माइयों मेहंदी रत जगह, ये तमाम चीज़ें ट्रेडिशनल हैं स्टिल ऑन इन पाकिस्तान ना। अब हम लोगों ने उनके जो बुराइयाँ ढूंढ के उनको मारी हैं फेंक के, और लास्ट में हमने ये सोच लिया कि यही कह दें कि ये बड़ी दीनी बातें करती हैं। देखें, जहाँ तक उनके व्लॉग्स की आप बात कर रहे हैं तो व्लॉगिंग में वो जब भी डिस्कशन करती हैं वो उनको अपनी रूटीन लाइफ की करनी पड़ती हैं। अब डेफिनेटली अगर वो कुछ भी ना बोले तो उनका जो फैमिली चैनल है वो फैमिली चैनल ना रहे। तो अब उन्होंने जो भी डिस्कशन की है वो कोई ऐसी नहीं है कि जिस पे हम बोलें कि भाई वो अपने आप को नेक जाहिर करती हैं। अगर वो कोई पॉइंट जाहिर करती हैं तो उसमें सबसे पहले होता है नमाज। नमाज भी उनके रूटीन लाइफ में होता है, ज़्यादातर जोहर और असर की नमाज वो दिखाती हैं पढ़ते हुए, क्योंकि वो व्लॉग कर रही होती है उस टाइम। अब जब व्लॉगिंग हो रही होती है तो ये छोटी मोटी चीज़ें आती हैं सेंटर में, ये चीज़ें जो जो व्लॉगर कर रहा होता है वो शो ऑफ करनी होती हैं। और सिर्फ वो ही नहीं है, और भी यूट्यूबर्स को आप देख लें जो कि व्लॉगिंग के दौरान जो है ये तमाम चीज़ें शो करते हैं। भाई जो नमाज पढ़ता है डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं शो कर देगा। और अगर उन्होंने कहीं देखा है, मैंने भी चैनल्स में, कि वो कुरान पाक की तिलावत कर रही होती हैं, तो कुरान पाक की तिलावत करना और नमाज पढ़ना ये एक हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, और कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते, और अगर जो कर रहे हैं तो वो बहुत पॉजिटिव अंदाज़ है उसको शो करने का। आपको पता है यूट्यूब पर फैमिली व्लॉगिंग में ही कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि नाच गाना अपने शॉर्ट ड्रेसेस क्या नहीं दिखा रहे पॉपुलर होने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए। तो अगर आप यही एक्सेप्ट कर लें, चलो आप बुरा कहते हो, यही सोच लो कि वो व्लॉगिंग करती हैं और व्लॉगिंग में वो ये चीज़ें जो दिखाती हैं वो शायद शो ऑफ करने के लिए कर रही हूँ, चलो शो ऑफ करने के लिए करती हूँ, मगर वो एक पॉजिटिव चीज़ को जो है कॉमन कर रही हैं, पॉजिटिव चीज़ को पहुँचा रही हैं लोगों के माइंड में। जो नमाज है, रोज़ा है, रोज़े की स्पेशली मैं आपको बताऊँ, जब सहरी और इफ्तारी की प्रिपरेशन होती है, इधर वो शब मेराज का रोज़ा हो या शब कदर का रोज़ा हो, वो जब शो होता है तो वो अच्छा ही लगता है। सहरी की प्रिपरेशन और इफ्तारी की प्रिपरेशन डेफिनेटली हम अपने घर में कितनी कर रहे हो, कर कर के हमारा हाल बुरा हो गया हो काम घर का, मगर हम दूसरे को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उनका कल्चर, उनकी वैल्यूज़ वो थोड़ी सी चेंज लगती हैं। अब यहाँ पर उनको ये कहना कि वो जो है नेकी का अपने आप को जाहिर करती हैं कि मैं कितनी नेक हूँ, उन्होंने कभी किसी व्लॉग में नेकी का पलड़ा या नेकी का क्या कहना चाहिए अपने आप को नहीं कहा कि मैं नेकी की एक चीज़ हूँ, बहुत ज़्यादा नेकी करने वाली हूँ। उन्होंने यही कहा हर जगह जाकर, एक व्लॉग में बल्कि मैंने सुना उन्होंने कहा कि जब मैं हज करने गई थी तो मैंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला मैं अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ करती हूँ। तो ये तो बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। ये देखें, जो लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर हमने उनका दिल दुखाया है और उनको क्रिटिसाइज़ करके टीज़ किया है बहुत जगह, गलत जगहों पे, तो हमें भी उन्होंने माफ़ कर दिया है। ठीक है,
वो तो उसी बात को वो कैच करके बैठ गए और इसी पॉइंट को उन्होंने पॉइंट बनाया और उनको काफ़ी इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया, काफ़ी टीज़ किया। देखें, क्रिटिसिज्म एक लिमिट तक है। शबाना आंटी के लिए कुछ लोग ज़ातियात पे उतर आए हैं, पर्सनली उन्होंने उनको जो है नफ़रत करनी शुरू कर दी है जो कि उनके दिल में थी। तो इतना तो किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं कि हम औरों पे भी बनाते हैं, इस तरीके के रिएक्शन शो करते हैं, बट एक बात मुझे बताइए, कहाँ आपने इतना ज़्यादा किसी को भी होल्ड करके नहीं रखा है? क्योंकि आपको व्यूज़ ही इन्हीं की बुराई करने के लिए मिलते हैं। आज अगर आप ये कहती हैं कि कुकिंग में चबाना जो है वो अपनी बेटी की शादी में क्यों तैयार हो गई, तो मैं ये कहती हूँ कि वो तैयार हुई और बड़ी ईस्टर्न तरीके से तैयार हुई, और मैं इसको पॉजिटिव तरह से लेती हूँ। क्यों कि नॉर्मली जितनी भी लोगों के घर में शादियां होती हैं, वेडिंग फंक्शंस हैं और डिफरेंट उसमें चीज़ें होती हैं, मेहंदी वगैरह, तो सब यही चाहेंगे कि उनकी अम्मियाँ, उनकी खालाएँ, उनके पुप्पो वो अच्छी तरह तैयार हों, जो कि डेफिनेटली हमारे यहाँ अम्माएँ हैं तो वो इतनी तैयार नहीं होती, वो अपने आप को नहीं लुक आफ्टर करती, और स्पेशली जो फंक्शंस वगैरह होते हैं शादी के उसमें भी। तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा ट्रेंड दिया है, लोगों को मैसेज दिया है कि वो ईस्टर्न वे में तैयार हों और अपना ख्याल रखें। जब शबाना आंटी की बेटी की शादी हो रही है और उनकी बाकायदा मूवी बन रही है, तो शबाना आंटी उसमें क्या करेंगी? उसमें क्या वो गंदे होलिये में बैठ जाएंगी? खुद सोचे ना आप, वो बुरी बनेंगी उसमें, ऐसा नहीं है। एक फंक्शन हो रहा है जो उनकी बेटी की शादी का फंक्शन है, उसको आप सिर्फ देख रहे हैं मगर वो निभा रही हैं। वो पता नहीं कब से अपनी बेटी की शादी की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो डेफिनेटली उसमें उनके अंदर अपनी बेटी के लिए मोहब्बत है, अपने इन फ्यूचर जो दामाद होने वाले उसके लिए मोहब्बत है, और उनको तमाम जो फेस्टिव्स हैं उसकी मैनेजमेंट भी करनी है। आइदर उनके घर के लोग देख रहे थे, बट आफ्टर ऑल उनको भी करनी है वो। तो क्या उनको तैयार होने का राइट नहीं है? क्या आप उनको, किसी माँ को आप गंदे होलिये में देख के तैयार होंगे तो खुश होंगे, तैयार देख के खुश होंगे? ऐसा नहीं है। हमको भी कुछ सोचना चाहिए कि अगर वो थोड़ी सी तैयार हो गई, फैमिली ब्लॉगिंग करती हैं वो, और उन्होंने अपने पुराने फंक्शंस भी दिखाए हैं, यानी कि मोहसिन की शादी भी दिखाई है, उसमें वो तैयार हुई हैं, अपनी जो बेटी है बड़ी गुड़िया उसकी शादी भी दिखाई है, उस वीडियो को देख के किसी ने शबाना आंटी को क्रिटिसाइज नहीं किया कि भाई ये क्यों तैयार होके बैठी हैं। तो ये जेलिसी का मैटर जो है ना, ये अभी शुरू हुआ है, और किसी एक इंसान है जिसका काम है शर फैलाना, उसने ये शुरू किया है और फिर दूसरे लोगों में ये जर्म्स आए, तो भाई अल्लाह के वास्ते पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए। अपने घर के लिए भी इंसान खुशियां ही सोचता है, तो दूसरों के घर में खुशियां देख के क्या प्रॉब्लम है कि नहीं भाई यहाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है, ये बुरी नज़र आ रही है। बुरी नज़र आई थी तो मोहसिन की शादी में और गुड़िया की शादी में भी उन्होंने ड्रेसिंग की थी, वो बहुत यंग थी उस वक्त, मैंने भी वो वीडियो देखी है, और उस वक्त आपने कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया क्योंकि उस वक्त भी तो वीडियो देखते थे आप, उस वक्त आपका माइंड नहीं गया था ना। आपको पर्सनली दुश्मनी हो गई है उनसे, और प्लीज़ ये बात नहीं कहिए कि वो अपने आप को बहुत नेक जाहिर करती हैं, ऐसा किसी वीडियो में उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, वो सिंपली एक व्लॉगर है, फैमिली व्लॉगिंग करती हैं, और वो वही बात कहती हैं जो उनके माइंड में होती है। सिर्फ वो नहीं बल्कि मैं आपको बताऊं, जितने भी व्लॉगिंग करते हैं लोग, उनके साथ साथ जो उनकी लाइफ में हो रहा होता है, जो उनका रूटीन हो रहा होता है, वही शेयर करते हैं। तो आप लोग अपने माइंड को क्लियर करके देखिए। आप लोग किसी को भी आज अगर ये बात बोल रहे हैं कि वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, ठीक है, आप इस बात का टीस करके उनको दूसरी बातों में आप दुश्मनी निकाल रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो आप लोगों के इस तरीके के टीस करने से वो डर जाएं, और जो वो मैसेज अच्छा डिलीवर करना चाहती हैं वो ना करें। क्योंकि ये बात मैंने नोट की है, अभी जिसमें वो हलवा बना रही थी तो वो बेचारी इतनी कन्फ्यूज़ हो गई कि वो अपने दिल की बात नहीं कह सकी, क्योंकि अगर वो कोई अल्लाह की अच्छी बात बताना चाहती हैं जो लोगों को पॉजिटिव कर दे, तो वो उनके दिल से निकल जाएगी, उस वक्त वो डर के मारे नहीं कह सकेंगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है एक अच्छे इंसान को जो है बुराई की तरफ ले जाता है, वो डर जाता है फिर अपनी अच्छी बातें कहने से। तो प्लीज़ आप ये मत कहिए कि शबाना आंटी अपने आप को बहुत नेक जाहिर करती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, उनको अच्छी बातें करने दीजिए। अगर वो फैमिली ब्लॉगिंग में अच्छी बातें कर रही है तो बहुत से लोगों को वो अच्छा भी बनाने पे तैयार हैं, उनकी बातों से चाहे 0.1, 0.2 लोग अच्छे हो रहे हो, अच्छी बात अगर वो कर रही हैं तो उसको आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि वो तो नेक अपने आप को कहती हैं। तो भाई अगर नेक कहती भी है तो उन्होंने कौन सी बुराई कर दी, आप मुझे बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने किसी भी व्लॉग में ये नहीं कहा कि मैं इस्लामी स्कॉलर हूँ या मेरा, वरना तो इस्लामिक चैनल ही बना के बैठ जाती ना वो, उन्होंने वही शो किया जो वो करती हैं।
सो फ्रेंड यहाँ पे क्रिटिसाइज कीजिए लेकिन नफरत नहीं कीजिए किसी से, और अगर इतनी हिम्मत है तो उनका ओरिजिनल नाम लीजिए और ओरिजिनल नाम ले के बात कीजिए, तब आप होंगी असल रिएक्शन देने वाली। इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।